लगभग 33 फीट बाय 50 फीट का एक हाउस प्लान हमने कस्टमर के लिए बनाया था और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। पूरा प्लान जो है आपको इस वीडियो में शॉर्ट में समझाने वाला हो और इसका 3D फ्रंट एलिवेशन हमने बनाकर दिया था, वो 3D फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसके कुछ कलर ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान है, आपको आपके प्लान के लिए आपके घर के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडियाज आ सकती है। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होप डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो चलिए बहुत ही शॉर्ट में यह प्लान समझते हैं, उसके बाद में इसका 3D फ्रंट एलिवेशन देखेंगे और उसके कलर ऑप्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा जो मेन रोड है हमारा, ये पूरब की दिशा में है, मतलब ईस्ट फेसिंग में हमारा मेन रोड है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्लॉट का साइज़ जो है 33 फीट है, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मतलब विड्थ जो है 33 फीट है, 32 फीट 10 इंच है, मतलब 33 फीट है। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगभग 49 फीट 3 इंच है, ठीक है, मतलब 10 मीटर बाय 15 मीटर का ये जो है पूरा जो है प्लॉट का एरिया था जिसमें ये जो है पूरा जो है प्लान हमने बनाया था। तो जैसे ही हम गेट से एंट्री करेंगे यहाँ पर हमको कार पार्किंग के लिए एरिया मिलता है। देखिए आप देख सकते हैं कार पार्किंग के लिए एरिया मिलता है, 18 फीट 6 इंच है लगभग लेंथ में, मतलब आराम से कार पार्क हो सकती है, उसके बाजू में बाइक भी पार्क हो सकती है। साइड में 9.5 फीट की जगह मिलती है, यहाँ पर एक गार्डन है 3 फीट, आप देख सकते हैं 3 फीट की जगह भी छोड़ी है साइड से गार्डन की साइड से। यहाँ पर 6 फीट का वरांडा बताया गया है, स्टेप है और वरांडे पर एंट्री कर सकते हैं स्टेप से, 4.5 फीट इधर 3 फीट है। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है आप देख सकते हैं, उसके बाद में यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हॉल है 12 फीट बाय 15 फीट का, यहाँ से एंट्री होती है हॉल में, 2 विंडोज बताए गए हैं। इस साइड में आते हैं देखिए किचन है 11 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का, यहाँ पर वॉश एरिया बताया गया है, यहाँ पर पूजा रूम है। उसके बाद में पीछे साइड में 2 बेडरूम है जिसमें से ये जो राइट साइड वाला जो बेडरूम है 12 फीट बाय 13 फीट 1 इंच का है, इसको एक अटैच वाला बाथरूम दिया है 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट का जो अंदर से यूज़ होगा। यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर वेंटिलेटर बताया गया है। लास्ट में यहाँ पर फिर से एक मास्टर बेडरूम बताया है जिसका साइज है 14 फीट 9 इंच बाय 10 फीट है, क्योंकि इस साइड में पीछे साइड में एक जगह छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि इस साइड में हमारा प्लॉट नहीं है दूसरे की जगह, इसलिए ये रूम का साइज थोड़ा सा कम करके यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई है। लेकिन ये जगह जो है यहाँ से इस डोर से हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके इस साइड में अगर आपके प्लॉट में जगह है, आपकी खुद की जगह है, तो ये जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम साइज ये रूम बन जाएगा लगभग 14 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 1 इंच का। तो इस टाइप में ये जो है पूरा प्लान हमने बनाया था, आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसका 3D फ्रंट एलिवेशन किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था काफ़ी सुंदर डिज़ाइन हमने बनाया था, आप देख सकते हैं ये सुंदर डिज़ाइन है और इसके कलर ऑप्शन भी है। तो आशा करता हूँ आज का छोटा सा डिज़ाइन ये प्लान और आपको जो है समझ में आया और पसंद आया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को 2 लोगों को शेयर कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स बहुत सारे डिज़ाइन जो है हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस के नंबर बताया गया है, या तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे ऑफिस के नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फीस होती है क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।